सब्सक्राइब करिए कमल विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ऑल पर और पाइए हमारे नए नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कमल विश्वकर्मा में। तो फ्रेंड्स, मैं कमल विश्वकर्मा। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग इस वीडियो में ITI की बहुत ही बड़ी खबर मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए हुए आप लोग इसे पूरा एंड तक वॉच करिए, तभी आप लोगों को मालूम हो पाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो फ्रेंड्स आप लोग जल्दी से एक लाइक कर लें। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और फ्रेंड्स आपको लग रहा है कि ITI की न्यूज सही और सटीक मिल रही है, तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे वीडियो को नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्रेंड्स हमारे अगले वीडियो का अपडेट्स आपको सबसे पहले पहुंचता रहे, क्योंकि फ्रेंड्स आपको इस चैनल पर ITI की पल पल की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक सही व सटीक जानकारी प्रोवाइड की जाती है। तो फ्रेंड्स, आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि फ्रेंड्स मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया हुआ है जिसका नाम है ITI फैमिली ग्रुप। और फ्रेंड्स आप लोग इसमें देख पा रहे हैं, इसमें 2K+ मेंबर शामिल हो चुके हैं। और फ्रेंड्स आप लोग भी लेट ना करते हुए फ्रेंड्स आप लोग जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए फटाफट और लिंक पर क्लिक करिए और आप लोग आज ही जुड़ जाइए हमारे ITI फैमिली ग्रुप से और आप लोग भी इसका लाभ उठाइए। जैसा कि फ्रेंड्स आपका कोई भी नोटिफिकेशन आता है DGT या फिर ITI का, तो फ्रेंड्स आपको इस ग्रुप में सबसे पहले प्रोवाइड किया जाता है। और फ्रेंड्स इस ग्रुप में ITI स्टूडेंट अपना ग्रुप डिस्कस भी करते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर, जिससे फ्रेंड्स आपको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। तो फ्रेंड्स आप लोग टाइम न वेस्ट करते हुए जाइए, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग आज ही जुड़ जाइए हमारे ITI फैमिली ग्रुप से। तो फ्रेंड्स आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं, मैं फ्रेंड्स आप लोगों को एक न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आपका यहां पे दिया गया है, 1 जुलाई से ITI में पढ़ाई शुरू करने के खिलाफ 60% अभिभावक कोरोना का डर और बस न मिलने की बताई वजह। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग यहां पे देख पा रहे हैं, एजुकेशन में दिया गया है आप लोगों का, जिले के 19 ITI में पढ़ रहे हजारों विद्यार्थियों के अभिभावकों ने ऑनलाइन मीटिंग में रखे विचार। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों का ITI संस्थान जो है वो लगभग 1 जुलाई से खुलने वाला था और आप लोगों का पढ़ाई भी स्टार्ट होने वाला था, जिसके लिए फ्रेंड्स आपका अभिभावकों ने एक ऑनलाइन मीटिंग रखी थी जिसमें आपका कोरोना का डर और बस न मिलने का वजह बताया गया है। और फ्रेंड्स आप लोग यहां पे देख पा रहे हैं, फ्रेंड्स ये भास्कर न्यूज का करनाल का न्यूज़पेपर है जो कि इसमें आपका दिया है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 1 जुलाई से खोले या नहीं, इसके लिए जिले के 19 ITI में पढ़ रहे हजारों विद्यार्थियों के अभिभावकों के विचार लिए गए। बाबू मूलचंद जैन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में पेरेंट्स टीचर मीटिंग में 60% अभिभावकों ने कोरोना महामारी के चलते अभी ITI न खोले जाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें अभिभावकों ने 2 कारण जायज दिए हैं। इसमें से पहला कारण है कोरोना वायरस का प्रकोप अधिक बढ़ रहा है, दूसरे अभिभावकों ने ITI में पढ़ने वाले ज़्यादातर विद्यार्थी दूर के हैं, हरियाणा रोडवेज बस की सुविधाएं पूरी तरह से न मिलने के कारण विद्यार्थी ITI में पढ़ने के लिए नहीं आ सकते हैं। जो विद्यार्थी ITI के नज़दीक रहते हैं उन 20% अभिभावकों ने विद्यार्थी को ITI में बुलाने के लिए कहा है, लेकिन जब अगस्त में कोरोना वायरस कम हो तो ITI संस्थान को खोला जाना चाहिए, जबकि 20% अभिभावक ऐसे हैं जिन्होंने अपने कोई विचार ही नहीं दिए। कुछ अभिभावकों ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ही पत्र भेजकर अपने विचार विमर्श किए हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों का इसमें दिया गया है कि फ्रेंड्स 1 जुलाई से आप लोगों का ITI संस्थान खुलने वाला था, लेकिन फ्रेंड्स उस पर काफ़ी विचार विमर्श हो रहा है। और आप लोग यहां पे देख पा रहे हैं, आप लोगों का दिया गया है कौशल एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने सौंपी रिपोर्ट। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग को ITI संस्थानों ने अभिभावकों की रिपोर्ट शुक्रवार को सौंप दी है।
अब विभाग की ओर से खुद आईटीआई खोलने को लेकर निर्णय लिया जाएगा। अभिभावकों में खुशी है कि विभाग ने उनके विचार लिए हैं, जिससे अभिभावकों की इच्छा विभाग को पता चल पाई है। विभाग को बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लेना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप लोगों का इम्पोर्टेंट नोटिस दिया गया है। 20% अभिभावकों ने कहा है कि अगस्त तक कोरोना कम होने पर आईटीआई खोली जाए। जैसा कि फ्रेंड्स अब आप लोगों का हो सकता है तो आप लोगों का अगस्त मंथ में ही आप लोगों का आईटीआई संस्थान खुलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इससे फ्रेंड्स आपका यह क्लियर हो पाया कि फ्रेंड्स आप लोगों का आईटीआई संस्थान जो है वो आपका 1 जुलाई से नहीं खुलेगा, अब आप लोगों का लगभग अगस्त मंथ में ही खुलेगा। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को सभी जानकारी पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को सभी जानकारी पसंद आई है तो फ्रेंड्स आप लोग जल्दी से एक लाइक कर लें, और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।